हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन ब्राइटनिंग एक नाइट क्रीम। और इस नाइट क्रीम को प्रिपेयर किया है रेड लेंटिल से। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेडग्लो विद पोम्पा में। मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले चाहिए मसूर की दाल। हम लोग फेस के लिए नाइट क्रीम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए इस दाल को बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इस दाल को 2 से 3 बार ऐसे ही धो लिया है, 3 बार से ज़्यादा ही मैंने धोया है, ताकि इसके ऊपर जितने भी धूल मिट्टी गंदगी जो भी है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए, ये एकदम क्लीन हो जाए। एंड उसके बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया था ओवरनाइट तक। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ओवरनाइट के बाद पानी सोख कर लिया है और इसको अब हम लोगों को करना है ग्राइंड। बचपन में हम लोग देखते थे कि हमारे माँ नानी है वो लोग स्किन केयर में ये मसूर की दाल का पेस्ट फेस के ऊपर लगाते थे, ताकि हमारे जो स्किन है बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाए। तो मसूर की दाल के जो फेस पैक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मसूर की दाल में होती है विटामिन B6 और इसमें होती है विटामिन C, उसके साथ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो हमारे स्किन को ब्राइटन करते हैं, हमारे स्किन को लाइटन करते हैं, हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करते हैं। तो मसूर के दाल को ग्राइंड करने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे से एक मोस्लिन क्लॉथ के मदद से छान लिया है, ताकि उसका कोई भी ग्रैनुल्स हमारी इस क्रीम में ना आए। तो बहुत अच्छे से छानने के बाद मैंने एक पैन में ले लिया है और उसके साथ मैंने ऐड किया है कॉर्नस्टार्च। जो कॉर्नस्टार्च हम लोग चाइनीज प्रिपरेशन में डालते हैं वही कॉर्नस्टार्च हम लोग यहाँ पे डाला है। तो उसके बाद मैंने इस पैन को चढ़ा दिया है धीमी आंच के ऊपर 1 से 2 सेकंड के लिए। तब तक ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और ये देखिए क्रीम का बेस प्रिपेयर हो गया है। कॉर्नस्टार्च में होती है स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करते हैं एंड हमारे स्किन को फॉर्म करने में मदद करता है। और इसको ठंडा करने के बाद इसके ऊपर हम मैंने ऐड किया है एलोवेरा जेल, इसको एक क्रीम फॉर्म में लाने के लिए। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये कामिंग होती है, सूदिंग होती है और हमारे स्किन को हाइड्रेशन देती है। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के एलोवेरा जेल डाला है एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल एंड बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे से ही करना है ताकि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए और हमारा स्किन लाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग ये क्रीम प्रिपेयर हो जाए। ये क्रीम हमारे पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। हमारे स्किन के ऊपर अगर एक्ने के स्कार्स है, पिंपल्स के स्कार्स है तो वो भी चला जाएगा। अगर हमारे स्किन में कोई भी डार्क स्पॉट है वो भी गायब हो जाएगा। तो मैंने एक ग्लास कंटेनर में भर के इसको रख दिया है। अब इस क्रीम को आप लोगों को अप्लाई करना है एवरीडे नाइट टाइम में। स्किन को बहुत अच्छे से साफ करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई करना है आपके फेस के ऊपर। अब जो बच गया था मेरे पास छानने के बाद ये मसूर दाल, इसको भी हमें अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर। इसको भी हम लोग नहीं फेंकेंगे। मसूर की दाल स्किन ब्राइटनिंग स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी से भरी हुई है। इसको अगर आप लोग रेगुलर यूज करते हैं तो आपके स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइटन हो जाएगी, इसलिए इसको फेंकना नहीं है। तो मैंने ये जो मसूर की दाल है इसमें मैंने मिलाया है 1 टीस्पून दही और उसके साथ मैंने यूज किया है यहाँ पे 1 टीस्पून हनी। अगर आप लोग की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप लोग यहाँ पे दही यूज करिएगा और अगर आपके स्किन नॉर्मल है तो आप लोग यहाँ पे रॉ मिल्क का यूज कर सकते हैं। रॉ मिल्क भी हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा लाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं। दही में भी लैक्टिक एसिड होती है, वो भी हमारे स्किन को ब्राइटन करती है, लेकिन ड्राई स्किन में दही बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर नॉर्मल स्किन है तो आप लोग उस जगह पे रॉ मिल्क का यूज कीजिएगा। तो बहुत अच्छे से मैंने इस फेस पैक को अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। अगर ये फेस पैक बच जाए तो आप लोग 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा 2-3 दिन तक, उसके ज़्यादा नहीं। तो इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको सूखने के लिए दे दूंगी 2 से 3 मिनट तक एंड उसके बाद फिर से मैं इसको रीअप्लाई करूंगी, ताकि बहुत अच्छे से हमारे स्किन के ऊपर ये फेस पैक लग जाए। ये फेस पैक और ये जो क्रीम है ये हमारे पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है हमारे स्किन के ऊपर। उसके साथ साथ कोई भी डार्क स्पॉट हो या हमारे स्किन में अन इवन स्किन टोन हो या हमारे स्किन में कोई भी एक्ने के स्कार्स हैं तो उसको मिटा देता है। तो मैंने यहाँ पे फेस पैक को अप्लाई कर लिया है। तो आप लोगों से अभी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना मत भूलिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा,
ताकि उन लोगों को भी इस क्रीम का और इस फेस पैक का बेनिफिट मिले। देखिए इस सीजन में किसी के स्किन में टैन हो जाती है, किसी किसी के स्किन में पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम से आप लोग निजात पा सकते हैं अगर आप लोग ऐसे ही फेस पैक का अप्लाई करें एंड उसके साथ जो क्रीम मैंने प्रिपेयर किया है उस क्रीम को आप लोगों को रात के टाइम जरूर अप्लाई करना है, दोनों को एक साथ में अप्लाई करना है। तो मैंने देखिए फेस पैक को अपने फेस के ऊपर रखा था 15 मिनट के लिए एंड उसके बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लेके फेस पैक को हल्के से पतला कर लिया था एंड उसके बाद एक वेट टिश्यू के मदद से मैंने साफ कर लिया फेस पैक को। अब जैसे मेरी पहले स्किन थी वैसा नहीं है, अभी स्किन देखिए कितना ज्यादा ब्राइटन हो गई है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेरा नाइट क्रीम जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है। मसूर दाल के ये जो फेस पैक है इसको आप लोगों को अप्लाई करना है हफ्ते में 3 दिन, मतलब हर एक अल्टरनेटिव डे में आपको अप्लाई करना है। और इस नाइट क्रीम को आपको अप्लाई करनी है एवरी डे नाइट में, क्योंकि नाइट का जो टाइम होता है वो हीलिंग का टाइम होता है, वो रिपेयर का टाइम होता है। तो आई होप आज की ये रेमेडी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।